पेंट इंडस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इसके रेलिवेंट इन शाली हर एक चीज़ को रिसर्स करेंगे सबसे पहले पेंट इंडस्ट्री है क्या पेंट क्या होता है पेंट के मुखलिख कंपोनेंट्स क्या हैं हर एक कंपोनेंट की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पेंट्स के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होता है हर एक रॉ मटीरियल की एक्सप्लेंेशन करेंगे इसके बाद पेंट को किस तरह तैयार किया जाता है अच्छे पेंट की क्या क्या निशानियाँ हैं ये सारी की सारी चीज़ें इन शाला तला पेंट इंडस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो आपको अगर इसके मतलब सारे के सारे लेक्चर सुनने हैं तो आप जा सकते हैं प्ले में और प्ले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कोई भी लेक्चर आप पेंट इंडस्ट्री के रेलिवेंट सुनना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके सुन सकते हैं इस लेक्चर के अंदर जो हमने बात करनी है वो सिंपल पेंट है क्या पेंट के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये चंद एक चीज़ों की बात करनी है चलो जी पेंट की सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन कोशिश कीजिएगा जो भी चीज़ लिखवाऊँ उसको साथ साथ लिखते जाइएगा ये आपके एक नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा कोई भी इस तरह यानी कि रफ नहीं लिखूँगा प्रॉपर डेफिशन होगी हर एक चीज़ प्रॉपर होगी आपके पास मौजूद और कोशिश करूँगा सारी की सारी चीज़ें अथेंटिक लिखवा दूँ तो साथ साथ कोशिश कीजिएगा इसको नोट करते जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की पेंट पेंट की डेफिनेशन क्या है अब पेंट इंडस्ट्री की तो आपको डेफिनेशन खुद ही कर सकते हैं द इंडस्ट्री वेयर आर पेंट इज फॉन्ग जहाँ पेंट बनता है उसको पेंट इंडस्ट्री का नाम देंगे अब पेंट होता क्या है रंग आम आमजबान के अंदर हम इसको रंग ही कहते हैं ना किसी भी चीज के ऊपर रंग कर दिया अगर मैं पूछू की तारीफ तो तो तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो so, इसलिए मैंने कहा जो कोशिश कीजिएगा सा, साथ साथ सारी की सारी चीजें इसको नोट डाउन करते जाइएगा कहते जी पेंट ये इसकी डेफिनेशन है पेंट आर स्टेबल पेंट आर स्टेबल मकैनिकल मिक्सचर मकैनिकल मिक्सचर पेंट एक स्टेबल मैकेनिकल मिक्सचर है मिक्सर ऑफ वन और मोर पिगमेंट वन और मोर पिगमेंट एक या एक से ज्यादा पिगमेंट्स का द मेन फंक्शन ऑफ पिगमेंट मेन फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है पिगमेंट का फंक्शन ऑफ पिगमेंट जो पिगमेंट का मेन फंक्शन होता है इज़ टू इम्पार्ट इज टू इम्पार्ट इम्पार्ट का मतलब होता है देना इज़ टू इम्पार्ट द डिज़ायर कलर इम्पार्ट द डिज़ायर कलर ये एक मखसूस रंग दे रहा होता है डिज़ायर कलर एंड टू प्रोटेक्ट और यह महफूज रख रहा होता है एंड टू प्रोटेक्ट और महफूज करेगा प्रोटेक्ट द फिल्म फिल्म को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्राम पैनीट्रेसन रेडिएशन फ्राम पैनीट्रेटिंग रेडिएशन पैनी ट्रेटिंग रेडिएशन रेडिएशन्स सच एज सच एज़ अल्ट्रा वोलेट रेज अल्ट्रा वोलेट रेज आप इसका मतलब समझिएगा देखो आप मुख्तलि बिल्डिंगों हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है कि पेंट करवाओ सिर्फ खूबसूरती के लिए पेंट के दो मकसद हो सकते हैं पेंट के अगर परपस देखे जाए तो दो ही परपस होते हैं लेकिन एक परपस हमारे इन इलाकों में ज़्यादा है लेकिन जो दूसरा परपस है अगर कोई डेवलप्ड कंट्री होगी वहाँ पर दूसरा परपस ज़्यादा होता है पहले नंबर पे डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन रेशन के लिए हम पेंट करवा रहे होते हैं सेकंड नंबर पे हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के, प्रो के लिए हम पेंट करवा रहे होते हैं देखो लोहे की कोई चीज़ है ना लोहे का अमूमा जंग लग जाता है आप क्या करते हो कहते हैं जी जंग से बचाना है ना इसके ऊपर पेंट कर दो इसके ऊपर क्या करो पेंट कर दो अब जैसे ही पेंट करोगे तो ये वाली चीज़ जो इन साइड होगी या आयरन वगैरह ये जंग से बच जाएगा ये इसकी प्रोटेक्शन होती है अब देखें प्रोटेक्शन जंग से नहीं होती अब कहो जी प्रोटेक्शन चलो ठीक है यहाँ पर तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है अगर मैं बिल्डिंग में करता हूँ घर वगैरह पर कर रहा हूँ वहाँ पर तो डेकोरेशन हो रही है प्रोटेक्शन किस चीज़ से हो रही है नहीं वहाँ पे भी प्रोटेक्शन हो रही है अब अगर अच्छे वाली बिल्डिंग की बात करोगे ना वहाँ पे कभी चेक कीजिएगा ये अगर हमारे पास बिल्डिंग है अब इसके ऊपर पेंट किया हुआ देखोगे ना तो इसके ऊपर जो पेंट करते हैं उसका एक स्पेसिफिक नेचर होती है वो पेंट क्या करता है इसके ऊपर सारी की सारी बिल्डिंग के ऊपर लाजमी पेंट होता है कभी भी एक इस तरह रफ सी बिल्डिंग नहीं होती अब इस बिल्डिंग के ऊपर जो पेंट किया होता है ना पेंट उसके अंदर यह सलाहियत होती है कि वो अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन को जज्ब नहीं करता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेंट की ये क्या करता है अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देता है क्या कर देता है ट्रांसमिट कर देता है इसके ऊपर आने नहीं, नहीं देता यहाँ आएंगे आएँगे अल्ट्राइलेट रेडिएशन यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा जब अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो जो बिल्डिंग के इनसाइड टम्परेचर होगा वो बड़ा कम रहेगा ये हमारे पास प्रोटेक्शन है था 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 हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉनसेप्ट कम है इस इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कलर को फोकस करते हैं क्वालिटी हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि इस पेंट के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या है क्या ये अल्ट्रा वॉयलेट को जजब भी कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है क्या काम कर रहा है हमें कोई परवाह नहीं है हमें क्या जी पेंट चाहिए अच्छा कलर हो बात ख़त्म सही है मेन चीज़ प्रोटेक्शन है आपकी चीज़ प्रोटेक्टेड भी है या नहीं है आप घर के ऊपर पेंट कर रहे हो क्या वो जो चीज़ पेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो चीज़ है या नहीं है तो ये हमारे पास मेन चीज़ होनी चाहिए जो हमारे नज़र में होनी चाहिए है. तो अब इसके बाद अगर पेंट के बेसिक कंपोनेंट देखे जाए ना बेसिक कंपोनेंट पेंट के हमारे पास चार हैं बेसिक कंपोनेंट और इसको पिगमेंट भी कह सक कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ बेसिक इंग्रेडिएंट इंग्रेडियंट अब देखो अगर आप कहीं से भी पेंट वगैरह लेके आते हो आपके पास एक बाल्टी की फॉर्म में होता है इस तरह की बाल्टी होती है तो ये ऊपर मास्टर पेंट या कोई भी जिस तरह का आप लेके आए हो तो ऊपर उसका मोनोग्राम लगा होगा मास्टर पेंट इस तरह उसका मोनोग्राम होगा अगर आप अंदर से बाल्टी को खोल के देखते हो ना तो इसके अंदर जो पेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है वो किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें समझते जाइएगा सबसे पहली जो चीज़ होती है पेंट के अंदर वो होता है बाइंडर पहला बेसिक कंपोनेंट क्या है बाइंडर अब बाइंडर क्या होता है देखो आप ये हमारे पास सरफेस है इस सरफेस के ऊपर आपने पेंट करना है इस सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है पेंट को करना है बाइंडर एक ऐसी चीज़ होती है जो एडहेसन काम करती है एडहेसिव नेचर होती है जो सरफेस के दरमियान में और पिगमेंट के दरमियान में सही है ये हमारे पास इस तरह पेंट आ गया ऊपर मैंने नीला पेंट करना था या मैं ऊपर नीला पेंट कर रहा हूं अब नीले पेंट को आपकी सरफेस के साथ जो चीज जोड़ रही है वो है बाइंडर वो क्या है बाइंडर और ये क्या है मेटल है ये क्या हमारे पास है? मेटल और ऊपर हमारे पास पिगमेंट है पिगमेंट एक ऐसी चीज होती है जो कलर प्रोवाइड कर रही होती है पेंट को ये पहली जो चीज़ है वो है बाइंडर बाइंडर का मेन फंक्शन होता है के आपके पिगमेंट को जोड़ रहा था सबस्ट्रेट के साथ या मेटल की सरफेस के साथ ये अगर सिंपल सी बात कहूँ बाइंडर को एडहेसिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं एडहेसिव सब्सटेंस ये अमूमन होते हैं कलरलेस ये अमूमन बाइंडर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं इसके बाद सेकेंड जो इसका बेसिक कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखो आपका जो पीछे से सॉल्वेंट पेंट आ रहा होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता याद रखिएगा कभी भी पेंट सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा उसके अंदर हम कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं बेशक वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाते है जी पिगमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से आप पेंट कर रहे होते हो पिगमेंट अब पिगमेंट क्या कर रहे होते हैं ये कलरिंग सब्सटेंस ये क्या हमारे पास कलरिंग सबसे ये पेंट को मखसूस रंग दे रहे होते हैं मखसूस कलर होता है वो आपका पिगमेंट की वजह से होता है वो किसकी वजह से होता है पिगमेंट्स की वजह से और लास्ट वाली चीज़ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ये है जी एडिटिव्स एडिटिव्स अब एडिटिव्स में यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम पेंट के अंदर डाल रहे होते हैं से उसको हम नाम देते हैं एडिटिव्स का क्या नाम दे रहे होते हैं एडिटिवस का भैया सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास पेंट के चार बेसिक इंग्रेडिएंट हैं चार बेसिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से बाइंडर सॉल्वेंट पिगमेंट एडहेसि सॉरी एडिटिव एडहेसिव कह दी एडिटिवस एडिटिव के सिंपल सी एग्जाम्पल दे, दे देता हूँ बाज़ दफ़ा ना पेंट अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो उसके ऊपर ना एक बारीक सी पेंट की लेयर बन जाती है जिस तरह चाय पड़ी रहे ना थोड़ी देर तक उसके ऊपर मलाई आ जाती है ना सेम इसी तरह पेंट को कुछ अरसा ज़्यादा पड़ा रहे ना एक ही जगह पे तो उसके ऊपर पतली सी लेयर बन जाती है उसको स्किम कहते हैं अब उससे बचने के लिए हम उसके अंदर एंटी स्किमिंग एजेंट डाल रहे होते हैं क्या डाल रहे होते हैं एंटी स्किमिंग एजेंट और ये एंटी स्किमिंग एजेंट है ये एडिटिव है मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी है कि एडिटिव्स क्या होते हैं जो मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपके पेंट की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं सही है तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर सिंपल सा पेंट का इंट्रोडक्शन किया है बेसिक इंग्रेडिएंट कौन कौन से इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने हर एक चीज़ के मतलब एक्सप्लेनेशन करनी है वही ये आपके बेसिक रॉ मटेरियल भी हैं याद रखिएगा अगर पेंट का रॉ मटेरियल पूछता है यही रॉ मटेरियल है बाइंडर सॉल्वेंट पिगमन और एडिटिव्स यही हमारे पास आज के लेक्चर में थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफ़िज स्क्रीनशॉट शोर ले लीजिएगा